उत्तराखंड विधानसभा 2022 के नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरी लालकुआं विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता और जनता के बीच में भ्रमण प्रारंभ कर दिया है। वहीं हरीश रावत को लेकर लालकुआं वासियों में भारी उत्साह दिखाया गया है और आज लालकुआं शहर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से कांग्रेस के कार्यकाल का उद्घाटन किया गया। उसके बाद हरीश रावत ने पूरे लालकुआ शहर में पदयात्रा करते हुए लालकुआ की जनता का अभिवादन स्वीकार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मैं लालकुआ में नया नहीं हूं। जो यह सोचते हैं कि मैं नया हूं तो वह अपनी सोच बदले, क्योंकि लालकुआं कुआवासी मुझसे भली भांति परिचित है। लालकुआ की छोटी या बड़ी सभी समस्याओं का निदान होगा। जनता का विश्वास मिल रहा है। लालकुआ विधानसभा के वासी और पूरा लालकुआ का मेरा ही परिवार है और निश्चित ही हम चुनाव में विजय हासिल होंगे। मेरा नाम अब्दुल अजीज है, मैं यही वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ। हाँ, बहुत खुशी हो रही है हरीश रावत जी के पहुंचने से। बिल्कुल सर, जरूर होगा। हाँ, हरीश रावत जी पर विश्वास करता है और उनके साथ भी है। मेरा नाम साक्षी बत्रा है, मैं बत्रा खानदान बत्रा फैमिली से हूँ और हरीश रावत जी का स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। रावत जी बच्चे से, महिलाओं से, सबसे बहुत अच्छे से मोहब्बत करते हैं। वो हम बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम चाहते हैं वो जीत हासिल करके। यहाँ देखिए, हरीश रावत जी लालकुआ से चुनाव लड़े तो खास करके कहे तो महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को फायदा हो, क्योंकि पूर्व में भी जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो हरीश रावत जी ने महिलाओं के लिए अनेकों सुविधाओं के से कई योजनाएं लाई थी और खास करके महिलाओं के लिए तो फायदा। यहाँ पे हमारी जो जनता, हमारे क्षेत्र की जो जनता है, महिलाएं, खासकर महिलाएं, जो हमारी जो महिलाएं समूह चलाती हैं, समूह के लिए जब पिछले बार मुख्यमंत्री होते होते उन्होंने जो घोषणा करी थी उसको जो समाजवादी हमारे जो निर्दलीय हमारे बीजेपी पार्टी आने से वो बंद हो गया था, अब वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। आज महिलाओं में ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम 2 कदम से 4 कदम और बढ़ पाएंगे। खासकर बूढ़े लोग जिनकी पेंशन रोकी गई थी, विधवाओं की पेंशन रोकी गई थी, इस चीज़ के लिए सब एक्साइट गाँव में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़कर हरीश रावत जी का साथ दें। जी हाँ, हाँ बिल्कुल भला करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब काम अच्छा होगा, काम अच्छा करेंगे तो बिल्कुल भला करेंगे। गरीब जनता यही चाहती है, कोई भी बने, काम अच्छा करे तो